एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है, कल हम आपको वीडियो नहीं दे पाए आपके कमेंट्स की, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप लोगों ने वेट किया होगा बहुत ज्यादा, तो आज हमने कहा कि जल्दी से हम कमेंट पढ़ देते हैं और उनका सबका थैंक यू कर देते हैं जो हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो पहला कमेंट पढ़ने जा रही हूँ मैं। पहला कमेंट है सुरेंद्र सांगवान, नारियल पीने से बेबी गोरा होता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, नारियल पीने से। बाकी अभी क्या है गाइस, ठंड का टाइम चल रहा है तो नारियल पानी पी नहीं रहे क्योंकि क्या है बेबी को ठंडा लग जाए। तो हाँ, नारियल खाने का मैंने सुना है कि गोला खाओ तो उससे बच्चा बहुत फेयर होता है। नारियल तो मैं और पालना क्या करेंगे, कच्चे नारियल मंगवाऊंगी। जितने भी टाइम रह गए, 4-5 महीने जो भी रह गए, तो वो कच्चे नारियल खाया करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है मेहंदी ट्यूटोरियल बाय अपिका। गोलू दी, अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हो तो आप डॉक्टर से पता कर लो, वो आपको एक्सरसाइजेस बता देंगे और आप वो करो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, बाकी तो भगवान को पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। जी मुझे नहीं पता अभी कि एक्सरसाइजेस कौन से चाहिए, क्योंकि क्या है जितने भी बड़े होते हैं, जैसे पायल हो गई, मम्मी हो गई, तो उन लोगों ने मुझे यही बोला है कि जो एक्सरसाइज है वो आप 9th मंथ में स्टार्ट करना, मतलब जैसे नीचे बैठना, स्क्वाट्स लगाना, स्क्वाट्स वाली जो पोजीशन होती है उसमें बैठना, पोछे वाली जो पोजीशन होती है उसमें ऊपर नीचे करना, तो वो चीजें 9th मंथ में स्टार्ट करना। बाकी पायल 9th मंथ में होती है, कौन से मंथ में होती है? एक्चुअली क्या है ना, गोलू के साथ आप सभी को पता है जैसे कि बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो हमने इसको रिस्क लेने के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। वैसे तो इसकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, वो क्यों होगी मैं आपको बता देती हूँ उसका रीजन, क्योंकि गोलू के जो दो मिसकैरेज हुए थे ना, वो जब बेबी को बाहर निकाला गया था तो वो पेन दे के निकाला गया था, आर्टिफिशियल पेन दे के जो निकालते हैं वो भी लाइक अ डिलीवरी होता है, डिलीवरी की तरह, नॉर्मल डिलीवरी की तरह होता है। तो इसका जो है ये बेबी जो होगा वो नॉर्मल डिलीवरी से ही होगा। और लास्ट के जो लास्ट वाला इसका महीना होगा उसमें जैसे पोचा वोचा लगवाना, आटा गूंदना, ये सब करवाएंगे जिससे कि इसका नॉर्मल डिलीवरी टचवुड होगी होगी। नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ किट्टू रॉय का। दही खाओ घर का जमा हुआ, बच्चा इतना सुंदर होगा और मोटा बहुत बढ़िया होगा, और नारियल पानी पियो, बहुत सुंदर होता है बच्चा। तो गाइस मैंने ये बताया अभी कि नारियल पानी इसलिए नहीं पी रहे क्योंकि ठंड है, नारियल पानी से ठंड चढ़ जाएगी बच्चे को। बाकी रही दही की बात, तो वही ठंड चल रही है ना आजकल, तो दही नारियल पानी ये चीजें थोड़ी अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे गाइस इतनी ज्यादा ठंड है ना कि हम लोग मार्केट गए थे कल, और जैसे मैं नीचे उतरी थी ना, मैंने नीचे पैर रखा, मैंने बोला गोलू वापस ऊपर चल, इतनी ज्यादा ठंड है, इतनी हवा चल रही है, हम नहीं जा सकते। ये देख मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, तो इसलिए दही नारियल पानी और ठंडी चीजें हम अवॉइड ही कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट है अभी डांगी का। आप सच में बहुत अच्छे हो और पायल दीदी आप सबकी खुशी का बहुत ध्यान रखते हो। देखो जो साथ में रहते हैं ना, जो साथ में रहते हैं वो हमारा पूरा परिवार बन जाते हैं, तो सबकी खुशी का ध्यान हमें रखना चाहिए अपनी खुशी के साथ, क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपनी खुशी के लिए जीता है ना वो उसको क्या कहते हैं, सेल्फिश, वो सेल्फिश होता है, और सेल्फिश इंसान की जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं होती है। तो अरमान जी भी आ गए हैं जिम से कमेंट्स के बीच में, तो इसलिए हम सबकी खुशी का ध्यान रखते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है ख्याली काली का, कॉन्ग्रेचुलेशन 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। बिल्कुल जी, बहुत ही जल्दी होने वाले, और हम लोग इस बार बहुत ग्रैंड पार्टी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से है। 10 मिलियन की जो पार्टी होगी ना उसकी जबरदस्त तैयारी होगी, और जब हमारा डायमंड प्ले बटन आएगा उसकी अनबॉक्सिंग, हर एक मूवमेंट, मतलब जो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये कमेंट्स वाले वीडियो में काफी बार बोला है कि जितने लोग जाके सब्सक्राइब करो, और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। अभी सिर्फ 20,000 फॉलोअर्स हमें चाहिए और हमारे 10 मिलियन होने वाले हैं, तो मुझे लगता है इस वीडियो के बाद वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है सरिता जाट जी का, खाना ऊपर ना खाना चाहिए आप, खाना ऊपर नहीं खाना चाहिए आपको। हम बहुत ट्राई करते हैं कि हम खाना ऊपर ना खाएं, ना खाएं, ना खाएं, ना खाएं, ना खाएं, पर ठंड बहुत ज्यादा है गाइस। हाँ, और एक प्रेग्नेंट लेडी को ठंड से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसे ठंड लगती है तो उसके बच्चे को ऑब्वियस है ठंड लगेगी। तो हम अपने लिए नहीं, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, जो भी आलस करते हैं दिखाते हैं आप लोगों को, तो उसके लिए भूल चुक माफ कर देना। नेक्स्ट है सुलोचना कुमारी जी का, बहुत दिनों से प्रैंक वीडियो नहीं बनाई है। जी बिल्कुल, क्या अभी प्रेगनेंसी चल रही है ना, तो इस चीजों को हम थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। प्रैंक हो गया, वीडियोज हो गई, शॉर्ट वीडियोज हो गई, ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्योंकि क्या अभी तो विंटर्स भी चल रही है, दिन छोटे होते हैं, तो कब दिन बीत जाते हैं, कब उठते हैं, कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता, तो बहुत। और गाइस आज तो हमारा गाना भी आया था चेले चपटे, तो गाने के लिए सुबह सुबह हम उठे थे 10 बजे गाने के लिए, और जिसने अभी तक गाना नहीं देखा है नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाना देख लीजिए जाके, चेले चपटे, बहुत ही बढ़िया गाना बनाया अरमान जी ने। इसमें अरमान जी की बहुत ही शानदार फाइटिंग भी है, और इसमें उनके सिंक भी है, उनके साथ महक भी है, सुमी भैया है, और बलराज भैया है, और हमारे शरद चौधरी भैया भी है, हम इन सब ने बखूबी इस गाने को निभाया।
है। तो नेक्स्ट है सुलोचना कुमारी का एक प्रैंक वीडियो बनाई है मैम जी, बिल्कुल मैंने यही बताया कि जल्दी बनाएंगे। तो नेक्स्ट है साहिल रकास जी का, कृतिका एंड पायल दी आप दोनों साथ में बहुत अच्छी लगती हो, प्यार से रहना, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू सो मच साहिल जी, अल्लाह आपकी भी फैमिली को ब्लेस करे, बहुत सारी खुशियां दे, बाकी भगवान करे मेरी पायल की जोड़ी हमेशा बनी रहे। और नेक्स्ट कमेंट पढ़ने जा रही हूँ मैं खुशबू जतफ का, एक ही घर में रहकर दो वाइफ एक दूसरे से इतना प्यार करे ऐसा कहीं देखने को होगा, सबसे खास बात एक में एक बेटे को दोनों माँ का प्यार मिले, एक बेटे को दोनों माँ का प्यार, हाँ, मिले। प्यार मिले और बड़े ही सौभाग्य की बात है उस बेटे के लिए। लव यू ऑलवेज, स्टे हैप्पी विद योर फैमिली, भगवान जी करे आप लोगों को हमेशा ही ऐसे रहे। ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारे चीकू को बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, मेरा पायल का तो मिलता ही मिलता है, साथ में चीकू के पापा का, नितिन चाचू का, जितने भी लोग घर में रहते हैं ना सब चीकू को बहुत प्यार करते हैं। होता ही है पूरी फैमिली में जो पहला बच्चा होता है ना वो बहुत ही पैम्पर्ड होता है, तो आने वाले जो तीन बच्चे ना उनको भी फुल प्यार मिलने वाला है मेरा पायल का सबका। और फूड हमारी फैमिली ऐसे ही रहे हमेशा और आप लोग देखते रहो हमारे ब्लॉग्स। नेक्स्ट है प्रतिभा खुराना का, गोलू दी पायल दी ऑयल हीटर अच्छा होता है, इससे स्किन ड्राई नहीं होती है, छोटे वाले हीटर से स्किन ड्राई हो जाती है, लेट वर्क करता है पर अच्छा होता है। हाँ जी मैंने बिल्कुल पायल को ही बोला था कि आप पर वो लेट वर्क कब करता है ये समझ में नहीं आया मुझे गाइस कितना लेट करता है मतलब एक घंटा रुके, दो घंटा रुके, तीन घंटा रुके, कब ऐसा लगेगा कि वो हीटर जो काम कर रहा है वो गरम कर रहा है रूम को, हमें फील ही नहीं हुआ अभी तक, हमें ऐसे लगता है कि हमने चला के छोड़ दिया, वो अपना काम कर रहा है, ठंडा हो ना हो वो उसकी मर्जी है। तो इसीलिए मैंने वो हीटर के रिव्यू जो है इतने खराब दिए थे आपको क्योंकि मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ उसका। तो नेक्स्ट है प्रियांशु वर्ल्ड का, एग पोच मत खाओ प्लीज पायल एंड कृतिका दी, कच्चे अंडे में कारण बॉडी का टॉक्सिक होने के चांसेस होते हैं, बॉडी में इन्फेक्शन भी होता है, तो मैं बिल्कुल भी एग पोच नहीं खाती हूँ, ना मुझे एग पोच पसंद है क्योंकि मुझे एग्स ही नहीं पसंद है। स्टार्टिंग से ऐसा होता है कि मैं ब्रेड ऑमलेट खा लेती हूँ, बट जब बात रहती है बॉइल्ड एग की तो मैं जब भी खाती हूँ ना मेरे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। मतलब पायल तूने देखा ही नहीं होगा मुझे कभी बॉइल्ड एग खाना, तो फिर भी चलो इंसान खा सकता है, लेकिन वो आधा उबला हुआ आधा कच्चा वो एग्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती। मतलब आपने आप में से भी काफी लोग नहीं खाते होंगे क्योंकि वो जो गिलगिला सा लगता है ना, वो गिलगिला सा जीप सा लगता है ना, मैंने बोला भी था थोड़ा गिलगिला। बाकी काफी लोगों को पसंद होता है, आप सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो नेक्स्ट है हर्षु मन का, यार एक बात बोलूं गोलू ना एकदम क्यूट लग रही है आज बिल्कुल पांडा के जैसे, तो बिल्कुल मैं भी कभी कभी अपने आप को देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है दो पांडा खड़े हैं मैं और पायल सच में, मतलब कसम से हम ऐसे पांडा जैसे लगते हैं, क्योंकि एक तो कपड़े सर्दी का टाइम है ऊपर से टोपी पहन के रखते हैं। अच्छा कल का व्लॉग अगर आपने देखा हो ना तो उसमें मैंने ऊपर वो स्वेटर वो नाइट सूट का वो पहना हुआ था, अपर अलग पहना हुआ था, लोअर अलग पहना हुआ था, तो उसमें तो हम बिल्कुल पांडा लग रहे थे। अगर नहीं देखा होगा ब्लॉग तो फैमिली फिटनेस पे। तो नेक्स्ट है शिवी समरिया का, गोलू जी को तिल का ऑयल खाना चाहिए, उससे नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है। तो गाइस अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि देखो बहुत ही मुश्किलों से मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं ले रही, किसी चीज में रिस्क नहीं ले रही, मैं क्या कर रही हूँ नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, किसी चीज को सोच नहीं रही ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, जो भी मैं घर का खाना खाती हूँ वो खा रही हूँ, दूध पीती थी वो पीती हूँ, हर एक पौष्टिक चीज खा रही हूँ, कुछ भी अनहेल्दी नहीं खा रही। बाकी जब आठवा नौवा महीना होगा ना तब लोग आप लोग एडवाइस देना क्या करना है, फिर करूंगी मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो नेक्स्ट है मोहम्मद शाह जेब का, शजीब का सर्दी में आप लोग गुड़ की चाय पीजिए बहुत अच्छी लगती है, लव यू पायल गोलू। गुड़ की चाय मैंने पायल ने कहीं पी है याद नहीं आ रहा कहाँ पी है, हमने गुड़ की चाय पी है एक बार, हमने ट्राई भी किया था पर हमसे बनी नहीं क्योंकि आप सभी को पता है। अच्छा दूध फट गया था हमारा, दूध जो होता है उसमें जब गुड़ डलता है तो गुड़ बनता है गन्ने से और वो दूध ना फट जाता है, तो उसको ना एक टेक्निक होती है गुड़ की चाय बनाने वाली, वो हमें नहीं आती है तो इसलिए हम नहीं पीते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रीति शर्मा का, नाइस पायल दिया बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करते हो, गोलू दी आप थोड़ी थोड़ी न्यू रेसिपी शेयर करनी चाहिए, उनको भी खाना बनाने देखने का मन है, लव यू पायल गोलू दी। मैंने कहा था पायल को आलू सिंगरे की सब्जी मैं बना दूं, कह रही तू रहने तो मैं भी देखू, क्योंकि गाइस वो सब्जी कभी मैंने ही नहीं बनाई, तो जो चीज मैंने ही नहीं बनाई वो गोलू कैसे बना लेगी ऐसा। हाँ ये लेकिन ये है कि मैंने कड़ा प्रसाद कभी नहीं बनाया लाइफ में, नहीं बनाया पर गोलू ने बनाया, बहुत ही टेस्टी बनाया था, सीरियसली बहुत ही टेस्टी बनाया था। हमारे घर में पहली बार नए साल के दिन कड़ा प्रसाद बना था मंदिर में चढ़ाने के लिए, तो सबने खाया था, वो बहुत ही टेस्टी बना था, तो मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ इसको के जो चीज मैंने नहीं बनाई वो ये नहीं बना सकती, ये बना मैं सकती YouTube थी से देख के बनाती हूँ, ये बना सकती थी फिर भी हमने ना रिस्क नहीं लिया, हमने शांति से बनवाया था पर वो ना हमें टेस्टी नहीं लगी, बिल्कुल टेस्टी नहीं लगा क्योंकि वो मैंने नहीं बनाया था। तो नेक्स्ट टाइम मैं खिलाऊंगी आपको, आपको नहीं मतलब आप देखना पायल को भी खिलाऊंगी, कुछ ना कुछ पक्का ट्राई करूंगी मैं। तो नेक्स्ट है हीरा यादव का, पालक दीदी कह रही हूँ, पायल दीदी आज आप पालक पनीर जैसी दिख रही हो, ग्रीन पहना था
ग्रीन करना था इसलिए आपको पालक पहनने जैसे वो आप मेरे हाथ में पालक को देख के आपने मेरे शरीर पे पालक समझ लिया होगा कि मैंने पहना हुआ है और वो मेरा ग्रीन कलर का नाइट ड्रेस था। ओह मुझे बड़ी हंसी आ रही है। तो शुभम नितिन अग्रवाल का नेक्स्ट है, पायल यू आर गेटिंग प्रीटियर डे बाय डे। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट है गौरव पांडे का, आप गुजर और मान भाई जाट फैमिली से बिलोंग करती हो क्या? जी बिल्कुल सही कहा आपने, मैं गुजर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो नेक्स्ट है 10-10 ललवानी दिया का, आप अपना मेकअप वाइप से मत रिमूव किया करो, आप क्लींजिंग बाम यूज किया करो, ज्यादा अच्छा होता है। तो गाइस मैं तो करती हूँ, मैं तो बहुत आलसी हूँ, जब मेकअप अगर मैंने मेकअप लगाया तो वो अगले दिन ही मैं जब मूड होती तब निकलता है। ये बहुत मेकअप, ये क्लींजर ले, वाइप्स ले, ये ले बोलो, ये बहुत, क्योंकि इसके मुंह पे पिंपल्स आ जाते हैं, मेरे मुंह पे नहीं आते, मेरी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, इसकी ऑयली स्किन है। बट मैं फिर भी गाइस क्लींजिंग बाम तो मेरे पास नहीं है, बट मैं क्या करती हूँ वो जो वाइप्स आते, वो जो गोल गोल से कॉटन पैड्स आते हैं ना, उसमें मेकअप रिमूवर डाल के उससे साफ करती हूँ। नेक्स्ट है रिचा क्रिस्टू का, पानी को बॉइल करो फिर गैस को बंद कर दो, उसके बाद पालक को डालो गर्म पानी में, फिर ढक्कन लगा दो, उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होंगे। एक बार सेटिंग स्प्रे को हमेशा मेकअप लगाने के बाद स्प्रे करें, और एक बार सेटिंग स्प्रे को मेकअप लगाने के बाद, सेटिंग स्प्रे को हम बाद में भी करते हैं गाइस, पहले भी करते हैं, क्योंकि हम जब मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना फेस पे, ऑयल लगाते हैं, तो उसको सेट करने के लिए हम एक बार सेटिंग स्प्रे यूज करते हैं, उसके बाद जब हम फाउंडेशन अपना अप्लाई कर लेते हैं और वो गोल गोल काला काला लाल लाल मैरून गरम क्या लगाते हैं मुंह पे हम, करेक्टर और फाउंडेशन करने के बाद फिर से हम सेटिंग स्प्रे करते हैं ताकि जो हमारा बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए। इसकी बात हो मैं ही समझ सकती हूँ। तो नेक्स्ट है तानिया दीवान का, पायल दी को दो लड़के और छोटी दी को एक लड़की हुई, आज सपने में देखा। तो थैंक यू सो मच तानिया जी, आप हमारे सपने भी देखते हैं, और देखो अगर सुबह का सपना होगा तो जरूर आपके मुंह में बहुत सारी घी, शक्कर, डेयरी मिल्क की चॉकलेट सब कुछ सच हो जाए। बाकी हमें भी बहुत इंतजार है बच्चों का, बस यही है कि भगवान जो देगा हमें मंजूर है, बट एक ख्वाहिश है दिल की कि तीनों में से एक लड़की हो, ताकि जो मेरे सपने हैं, पायल के सपने हैं, वो हमारी डॉल पे ना पूरे कर सके, उसको हर एक चीज पहनाए, कपड़े लेकर दे, पर्स लेकर, मतलब अभी जितना चीकू का हो रहा है ना, मतलब हम जितना चीकू के लिए करते हैं, मेरे हिसाब से अगर लड़की होगी हमारे घर में तो उससे दुगना उसके लिए होगा, क्योंकि चीकू के टाइम पे भी चीकू के पापा की विश थी कि हमारे को लड़की हो, पर भगवान ने लड़का दिया, पर कोई बात नहीं जो भी है। पर अब तीन बच्चे एक साथ आने वाले हैं गाइस, तो तीन बच्चे में एक से एक तो कम से कम लड़की होनी चाहिए। तो बस आज का वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जिसने गाना नहीं देखा है चेले चपटे जल्दी जाओ नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाना देख लीजिए, और अपने प्यारे से कमेंट कीजिएगा आपको गाना कैसा लगा। बाय बाय।